Good morning, guys, once again, and welcome to an unplanned trip to Lonavala day 2. Guys, ये हम लोग का second day है, तो आज भी कुछ unplanned चीजें करते हैं. फिलहाल तो हम लोग आए हैं breakfast करने के लिए, और फिर से एक और बार ये garden में सब लोग अपनी अपनी families की pictures वगैरह खींच रहे हैं. यहाँ पे वगैरह सब अपने अपने में बिजी है. एंड आज हम लोग जो है ये विला छोड़ने वाले हैं. ये विला हम लोग चेंज करेंगे आज और जाएंगे और एक विला पे उसे भी एक्सप्लोर करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी. बॉस लोनावला में ऐसा थोड़ा एंजॉय करना तो बनता है ना, हर दिन थोड़ा थोड़ा चेंज करके. ये प्रॉपर्टी भी काफ़ी अच्छी थी, बिकॉज दिस वॉज एन अनप्लान्ड वो प्रॉपर्टी. जो आज हम लोग जाने वाले वो बिजी थी, तो इसलिए हम लोग ने आज ये प्रॉपर्टी ली थी. अभी जो प्लान वाली प्रॉपर्टी है उसमें आज हम लोग जाएंगे, तो लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग टू बी. चलते कर लेते हैं ब्रेकफास्ट यहाँ पे और उसके बाद चेकआउट करके निकलेंगे इस होटल से. सो गाइज, वी आर ऑल सेट टू चेक आउट फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल विला. एक लास्ट बार बाय बाय कह देते हैं इसे. काफ़ी अच्छा था, अमेजिंग वन फ्लोर विला, और सब पैकिंग हो चुकी है. यही होता है जब आते हैं तो प्रॉपर सामान यहाँ फेंक देते हैं, बट जाने के टाइम लगे एक एक करके निकालना पड़ता है. तो ये भी इस बंगलो का ओनर जो गया है अभी चेकआउट करने के लिए कि सब चीज़ प्रॉपर है कि नहीं. हम लोग ने इतना यूज़ भी नहीं किया. निकलते हैं अभी फिलहाल यहाँ पे गाड़ी पार्क है, एक यहाँ पे और डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे जाना है, कौन सा अनदर डेस्टिनेशन होने वाली है हम लोग की. गाइस, गूगल मैप है ना सिटीज़ के लिए बहुत सही है, बट ऐसे हिल स्टेशन वगैरह अगर हम लोग जब भी आते हैं तो इसके लिए गूगल मैप पे कभी रिलाई नहीं कर सकते. तो उसी तरह हम लोग के साथ भी अभी ऐसे ही हो रहा है. जो नेक्स्ट हम लोग बंगलो पे जा रहे थे उसका गूगल मैप पे लोकेशन डाला था, एंड अभी हमें यहाँ पे लाके छोड़ा है उन्होंने, बट यहाँ पे कुछ ऐसा है ही नहीं. तो अभी वही सब लोग उतर के पीछे इंक्वायरी चल रही है, पीछे दूसरी गाड़ी भी रुकी हुई है हम लोग के लिए. अब मेरा बोलना ये था कि कभी भी अगर आप लोग लाइक ऐसे हिल स्टेशन या फिर माउंटेन्स या कहीं पर भी जाते हो, डोंट 100% rely on गूगल मैप्स, क्योंकि वो आप लोगों को कभी भी ऐसा धोखा दे सकता है. ऑल राइट दोस्तों, तो फिलहाल विला तो हो चुका है कन्फर्म, वहाँ पे हम लोग जाके आ गए. बट दिक्कत ये है कि फिलहाल अभी उस विले में कोई है, बस हमारे किसी पहचान का विला है वो, तो उनको निकलने के लिए हम लोग टाइम देते हैं. तब तक हम लोग ने डिसाइड किया कि लेट्स गो टू द मैप प्रो, अपना एक टाइम पास की जगह यहाँ पे जाते हैं. लास्ट व्लॉग अगर मैंने देखा होगा महाबलेश्वर वगैरह में, तो वहाँ पे भी हम लोग मैप्रो गए थे. तो यहाँ पे भी अपना मैप्रो जिंदाबाद टाइम पास करने के लिए, बिकॉज हम लोग के पास और 2-3 घंटे हैं, तो 2-3 घंटे यहाँ पे टाइम पास करते हैं, इनके फ्री जूसेस जो है टेस्ट करते हैं. और यहाँ पे पूरा शॉपिंग सेंटर है पीछे, वो मैं स्किप करता हूँ, अभी मैंने कर लिया हूँ. हाँ, यहाँ पे मस्त गार्डन है इनका, वो गार्डन को एंजॉय करते हैं हम लोग. कुछ गार्डन है इस तरीके का यहाँ पे, और उस तरफ उनका शॉपिंग सेंटर है और ये गार्डन है, और आगे भी कुछ है वो हम लोग जाके अभी चेकआउट करते हैं क्या है. अच्छा, सब लोग ना मुझे घूर रहे, बिकॉज मैंने मास्क पहना है. मास्क तो वैसे हट चुका है, बट अभी मैंने मास्क पहना तो सबको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं कुछ ज़्यादा प्रिकॉशंस ले रहा हूँ, बट अभी अंदर की बात किसी को क्या ही पता है कि अपने को कुछ इन्फेक्शन हुआ है, उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे मास्क पहन के मैं घूम रहा हूँ. तो भाई टाइम आ गया है यहाँ पे कुछ फ्री का टेस्ट करने का, और ये है चॉकलेट पान, पता नहीं कुछ अलग है. आलमंड डेट पान एक ही है ना, हमेशा से सेम रहा है. फ्री में टेस्ट कराओ और उसके बाद ले लो, क्योंकि टेस्ट जब लगता है इंसान को तो मज़ा ही आता है. ये तो वावा वाले तो पता ही आप लोग को ये, और ये जेली पॉप बच्चे लोगों के लिए. पीछे से लेंगे अपना सो इंडियन थिंग्स, पीछे वाला माल फ्रेश रहता है, आगे वाला सब लोग यूज़ कर लेते हैं. चलो भाई शॉपिंग करना थोड़ी ना है, यहाँ पर घूमने हैं, लेट्स गो. टाइम पास कैसा करता है हम लोग से पूछो यहाँ पे. अभी आके आधा एक घंटा हो गया, समझ में नहीं आया. कितनी सारी फ़ोटोज़ ली हम लोग ने यहाँ पे इस स्ट्रॉबेरी के पास. मैप्रो में आया तो यही सब है, स्ट्रॉबेरी, ये स्ट्रॉबेरी हो गई, ये स्ट्रॉबेरी हो गई. तो गाइज, अभी हम लोग आए हैं ये वैक्स म्यूजियम. इस बार वैक्स म्यूजियम नहीं दिखाऊंगा आप लोग को, डोंट वरी. इस बार देखेंगे हम लोग कुछ और, जो है मिनिएचर ऑफ द वर्ल्ड, यानी सब छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे देखने मिलेगी हम लोगों को, तो वो हम लोग देखने आए हैं यहाँ पे. वैक्स म्यूजियम नहीं दिखाऊंगा भाई, वैक्स म्यूजियम बहुत सारे वीडियोस में दिखा दिया आप लोगों को अभी. सो भाई टिकट मिल गई है, और लेट्स गो टू वॉच द मिनिएचर ऑफ वर्ल्ड. यहाँ पे कहीं से अंदर जाना है, और ये सबसे मुझे क्रेजी थिंग लगी, मैं इसके लिए वेट कर रहा हूँ अभी, ये जब भी स्टार्ट होगा. अच्छा है, बच्चे लोगों को डराने के लिए अच्छा है ये. अरे ये सही बना है यहाँ पे, हॉरर वर्ल्ड का है.
भाई भी लाज पहने हुए यहाँ पे, से यहाँ पे ऐसी छोटी मोटी एक्टिविटीज के लिए बहुत सही है। तो फिलहाल ये सब हम लोग करने वाले कहीं और पे, इसलिए यहाँ पे भी नहीं कर रहे। हम लोग अभी जा रहे हैं मिनिएचर वर्ल्ड में, देखेंगे वहाँ पे हम लोग को क्या क्या देखने मिल सकते, किन किन चीज़ों की मिनिएचर देखने मिलती है हम लोग को। वाह, ये है मिनिएचर, कौन सा गाँव है ये? तो ये नाइट व्यू है, नाइट में कुछ इस तरीके से दिखता है, मस्त छोटे छोटे गाँव बनाए लोगों ने, काफ़ी सारे लग रहा है। वो गाँव में बिजली चली गई है, इसको बिजली का बिल नहीं भरा है वो गाँव में, इसलिए यहाँ पे सब लोगों ने बिजली का बिल भरा है। यहाँ पे आके हम लोग ने बहुत अच्छा काम किया, काफी अमेजिंग चीज है ये, पूरा एयरपोर्ट का मिनिएचर बनाया हुआ है ये। तो यहाँ से टेक ऑफ होता है और यहाँ से लैंडिंग हो जाती है, बहुत सही है। तो ये प्लेन का टेक ऑफ है यहाँ से, अभी थोड़ी देर में यहाँ से एक लैंडिंग भी होगी, अभी वही प्लेन घूम के आएगा मेरे ख्याल से। अभी थोड़ी देर बाद लाइट चलेगी तो डे भी हो जाएगा इसमें, और ये बुलेट ट्रेन चल रही है यहाँ पे। ओके, सबसे पहले हम लोगों ने देखा वो था वहाँ पे विलेज, उसके बाद हम लोग ने एयरपोर्ट देखा, एंड यहाँ पे है ये एक सिटी टाइप मॉड्यूलर बनाया गया है मिनिएचर इनका, काफ़ी अमेजिंग सा लग रहा है जो कि। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आएंगे तो यहाँ पे कार्गो सेक्शन लाइक बना है, रेल कार्गो टाइप्स, तो ये भी काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। डे एंड नाइट व्यू, लाइट्स ऑफ हो जाती है मतलब नाइट व्यू दिखाई दे रहा है इसका। और इसके आगे जाते हैं हम लोग, तो हम लोग को क्या दिखता है, वाह ये तो एकदम मेट्रो सिटी बनाया है, ये थोड़ा न्यूयॉर्क का लुक आ रहा है इसमें, काफ़ी अमेजिंग सा है। सो गाइस, आफ्टर द सिटी यहाँ पे आता है शिप ट्रांसपोर्ट, क्रूजिंग शिप भी है यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट शिप भी है, और ये इसका नाइट व्यू। और उसके बाद यहाँ पे और एक आता है, वाह यहाँ से ट्रेन जाएंगी थोड़ी देर में। ओह, टाइटैनिक भी रखे हुए लोगों ने यहाँ पे टाइटैनिक भी, लाइट खुलेगी उसके बाद मैं दिखाता हूँ आप लोग को। ये रही गाइस टाइटैनिक, हाँ। और तो अच्छा ब्रिज बना है, ब्रिज पे से एक ट्रेन का शॉट तो बनता है ना अपना। कि भाई इतने जैसे डिसाइड नहीं हो पा रहा था भाई कि कहाँ जाएगा, तो फाइनली एक वीडियो देख के डिसाइड किया टॉप 5 प्लेसेस इन लोनावला, तो उसमें सेकंड नंबर पे था कार्ला केव्स। तो वही हम लोग आए हैं अभी कार्ला केव्स चढ़ने के लिए। यहाँ पे पार्किंग अच्छी खासी है, 50 रुपीस पार्किंग का चार्ज है, तो पार्क यहाँ पे कर लिया हम लोगों ने, और अभी चढ़ेंगे यहाँ पे ऊपर, 15-20 मिनट की क्लाइंबिंग है ऊपर, तो देखते हैं भाई कितना चढ़ते हैं हम लोग और कितने में वापस आ जाते हैं हम लोग। यहाँ से स्टार्ट होता है स्टेप्स वगैरह। अरे भाई अभी कुछ मत बोलो, अभी चढ़ने का है, ठान लिया तो ठान लिया, अभी चढ़ करेंगे भाई, अपन ठान ले चढ़ लेते फिर, अपना ऐसा नहीं है अभी चढ़ना ही है, बच्चों के साथ हो बूढ़ों के साथ हो, चढ़ाता हूँ मैं सबको फिर। कितनी सीढ़ी गिननी चाहिए थी यार, शिट। चलो भाई ये सीन सही हो गया, बच्चे लोग को नीचे दे दिया है मम्मी पापा के पास, और अभी हम लोग सब लोग यंग लोग चढ़ाई कर रहे हैं अभी, अब सही रहेगा, सॉर्टेड, सबके हाथ फ्री है तो चढ़ने भी मज़ा आएगा। ऊपर जाके देखते क्या है भाई, इतना जो हल्ला मचा हुआ है कि ऊपर केव दे केव दे, देखना चाहिए ऊपर कौन सा केव है। तो ये चढ़ते चढ़ते मुझे एलिफेंटा केव्स की याद आ गई, क्योंकि वहाँ पे भी सब ऐसे ही है यहाँ से, बट व्यू ज़बरदस्त आ रहा है यार, सुकून वाला व्यू है एकदम। हमें कहाँ चढ़ना है नहीं पता, अभी जो स्टार्ट हुआ है बहुत, अगर बारिश में आएंगे तो यहाँ से वाटरफॉल देखने मिलेगा, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा गीला है, उस हिसाब से मुझे पता चल रहा है यहाँ कहीं से वाटरफॉल आता होगा। तो भाई 15-20 मिनट की चढ़ाई के बाद हम लोग पहुँच गए, और बहुत सीढ़ियाँ थी, पसीने आ गए भाई, बट चढ़ने के बाद कुछ व्यू ऐसा दिखता है यहाँ से, ये सेम मुझे एलिफेंटा वाली फील आ रही है, बट एलिफेंटा में सेम ऐसी केव्स है, बट यहाँ पे
बहुत ही अच्छे व्यूज भी है। अभी केव्स के अंदर जाके देखेंगे कि ये वर्थ है कि नहीं यहाँ पे आना, अगर अंदर जाने मिलेगा तो, बिकॉज कुछ कुछ लोग ही जा रहे हैं। अच्छा, टिकट्स है अंदर जाने के, तो लेट्स सी हम लोग अंदर जाते हैं या नहीं, सबसे पहले डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आप लोगों को। बस सही है, बस व्यू का पैसा है। अभी वहाँ टिकट लेने गए, उसके बाद हम लोग इस पीछे जो केव दिख रहा है मेरे, उसके अंदर जाने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे कोने में, तो ये जो चार शेर होता है नोट के पीछे दिखता है, नेशनल एम्बलम है अपना वहाँ पे, वो भी बना हुआ है। और पता नहीं अंदर क्या क्या बना हुआ होगा, तो वही सब हम लोग देखने अभी अंदर जा रहे हैं। यहाँ की एंट्री टिकट है ओनली 25 रुपीज़ हम लोग के लिए, अगर फॉरेनर्स यहाँ पे आते तो उनके लिए अराउंड 300 यहाँ पे टिकट है। और बहुत सारे फॉरेनर्स आए बॉस यहाँ पे, सोचो कितना इंटरेस्ट रखता है ये इंडियन कल्चर्स में। कहीं यहाँ से कुछ एंट्री होती है स्टेज की। ओ वाह, क्या कल, क्या कला है यार, ये कैसे बनाया होगा इन लोगों ने वो टाइम पे। चप्पल निकाल के आने का, किधर निकालने के, चप्पल निकाल के आना पड़ेगा। केव्स की एंट्री यहाँ से होती है, यहाँ से हम लोग एंटर करते हैं। सही है अरे, कितना खुदम खादी करके बनाए रहेंगे यार इन लोगों ने। केव्स भाई बस संभाल के चलना पड़ेगा, ऐसा सीढ़ी चढ़ने के ना पत्थर उत्तर सर पे लग गया तो नारियल तो बहना यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा अपना। और अभी यहाँ पे हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं मेन कार्ला केव्स के अंदर जा रहे हैं। गाइस ये पूरा डिस्कवर कर लिया हम लोगों ने, इसी के अंदर गए थे हम लोग, ये खिड़की वगैरह देख ली हम लोगों ने, और ये पूरा देख के हो गया हम लोग का। तो चलो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ, इसकी बात जो होने वाला है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूँगा। आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड दिस वीडियो, इफ यू गाइस डिड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, नए हो अगर मेरे चैनल पे तो मेक श्योर यू डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं तब तक अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, बाय, शुभ रात्रि यार, पीस आउट।